तर हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये स्वागत करतो. स्वागत तर करतो पण एक छोट्याशा ब्रेक नंतर. मैं आपका स्वागत जरूर कर रहा हूँ बट एक छोटे से ब्रेक के बाद. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. आजकल ये वीडियो सारे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है. तो आज का इंपॉर्टेंट क्यों वीडियो है, बेसिकली एक दो दिन पहले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं. यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स डिक्लेयर हो चुके. अब डेट्स तो डिक्लेयर हो चुके, तब भी कुछ बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि वो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे. कुछ प्रॉब्लम चल रहे उनके लाइफ में, ठीक है. इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अगले 30 डेज में, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको सच में अगले 30 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रिपेयर होना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है. गिव अप नहीं करना है. आप अब भी पढ़ाई करके 95% अबाउ 95% ला सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आप उसको एक प्लान बोल सकते हो, आप उसको एक टाइम टेबल बोल सकते हो, ठीक है. जो समझना है समझिए, बट मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना. इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मैं बेट दे सकता हूँ 90-95% स्टूडेंट्स जो है, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, ज़रूर अच्छे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, देखते हैं. तो बेसिकली प्लान में दो भाग है, दो डिवीजन है. तो पहला डिवीजन है आपका वीकडेज का, ठीक है. वीकडेज में क्या करने वाले हैं, कैसे करना है, वो डिस्कस करेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे. और वीकेंड्स, वीकेंड्स मतलब संडे कंसिडर कीजिए, ठीक है. सैटरडे में वीकेंड्स में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ओनली संडे. तो संडे में क्या करना है वो मैं लेफ्ट साइड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा. मतलब लेफ्ट साइड पे दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं वीकडेज का. वीकडेज लेते हैं मंडे टू सैटरडे, ठीक है. अभी आपके स्कूल चल रहे हैं, अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, मुझे कुछ सुनना नहीं है. जो कुछ भी काम करना है करिए. इररेस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट फॉर 7 hours to 9 hours अ डे. अभी के टाइम में करना जरूरी है. कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. वीकडेज मंडे टू सैटरडे आपको 7 hours पढ़ना है. 7 hours मैंने कैलकुलेट करके दिया है. सारा काम करके भी आप 7 hours पढ़ाई कर सकते हो, कर सकते हो. पॉजिटिवली सोचो, कर सकते हो. अब करना क्या है, वीकडेज में आपको 3 slots प्रिपेयर करने हैं. कितने स्लॉट्स, 3 slots. स्लॉट्स के टाइमिंग आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, बट 3 slots रहने वाले. पहले दो जो स्लॉट है उनका जो टाइमिंग रहेगा, पढ़ने का टाइम जो रहेगा दो स्लॉट का, वो रहेगा 2.5 hours, मतलब 2.5 hours का एक स्लॉट रहने वाला है. और जो थर्ड स्लॉट रहने वाला है, थर्ड स्लॉट आपका 2 घंटे का रहेगा, ठीक है. पहले दो जो स्लॉट थे वो 2.5 hours के, और थर्ड जो स्लॉट था वो 2 hours का रहने वाला है. इतना क्लियर हो गया. अब क्या पढ़ना है स्लॉट में, सबसे पहले जो फर्स्ट 2 slots है उसमें आपको मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है. पढ़ाई करनी है मतलब क्या करना है, आपको चैप्टर्स ओमिट करना है, मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट करना है. एक एक करके चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है. अब जो मेन सब्जेक्ट्स है, मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ. मेन सब्जेक्ट्स में आप देखोगे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस. अब सोशल साइंस क्यों मेन सब्जेक्ट्स में आया, अगर मैं आपका मेंटर हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है अगर उसको 95% लाना है या उससे भी ज़्यादा लाना है, तो उसको सोशल साइंस को भी एज अ मेन सब्जेक्ट कंसिडर करके ही पढ़ाई करना पड़ेगा. अगर वो सोशल साइंस को मेन सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेगा, एकदम लाइट सब्जेक्ट कंसिडर करेगा, तो वो 80, 82, 85 तक जा सकता है, वो अबाव 90 नहीं जा सकता. तो आपको सोशल साइंस को भी मेन सब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है. तो मेन सब्जेक्ट्स में ये 3 subjects आने वाले हैं, ठीक है. तो मेन सब्जेक्ट्स 2 slots में पढ़ने, 2.5 hours, मतलब 2.5 hours पढ़ना है. अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आज मैथ्स पढ़ रहे हो तो कल साइंस पढ़ना. हाँ, एक और ज़रूरी बात, slot 1, slot 2 में सेम सब्जेक्ट्स मत पढ़ना, ठीक है. आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहने वाला है. सब्जेक्ट्स चेंज कीजिए. slot 1 में मैथ्स पढ़ा तो slot 2 में साइंस पढ़िए, दूसरे दिन slot 1 में सोशल साइंस पढ़िए, slot 2 में मैथ्स पढ़िए. ऐसे आप इंटरचेंज कीजिए और स्लॉट्स में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए. slot 3 जो बचता है वो बेसिकली आप एंड ऑफ द डे में रखिए, रात के टाइम पे 2 घंटे रखना है. और उस 2 घंटे में क्या पढ़ना है आपको, लैंग्वेजेस. अब लैंग्वेजेस में क्या क्या आने वाला है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत.
हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन है, बट ये तीन लैंग्वेजेस तो आपको रहने वाले हैं। हर एक दिन 2 घंटे लैंग्वेजेस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी लैंग्वेज, हर एक दिन पढ़ना है। इसको भी हल्के में नहीं लेना है, अगेन सेम रीजन, 95% लाना है ना, तो हर एक सब्जेक्ट को, हर एक लैंग्वेज को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका वीकडेज में, ठीक है। I sincerely request you to keep away the things that will distract you while studying. अब ये जो आप पढ़ रहे हो ना 7 hours, इस 7 घंटे पढ़ते समय आपको जो जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको वो चीज़ें आपसे दूर रखिए। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, ये टाइम पहले ही बहुत कम है, इसमें अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको दूर रखिए, ठीक है, पास लेके बैठिए मत पढ़ाई करते समय। ये हो गया आपका वीकडेज में जो आप 7 hours पढ़ने वाले थे मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अब जाते हैं वीकेंड्स में, वीकेंड्स मतलब संडे में। अब संडे में क्या करना है, संडे में 9 hours का स्लॉट है, ठीक है, टोटल 9 hours पढ़ना है आपको। क्यों 9 hours पढ़ना है, अगेन वही रीजन, आपने अब तक कुछ नहीं किया, अब भी आपका टारगेट बढ़ा है, तो टारगेट बड़ा है तो पढ़ाई भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़े तादाद में करना पड़ेगा, बड़े अमाउंट में करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग फॉर 9 hours ऑन संडे। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आप बहुत छुट्टी है, आप एंजॉय कर सकते हो, बट अभी संडे को भी 9 hours पढ़ना जरूरी है। अब संडे में भी 3 slots हैं, ठीक है, जैसे वीकडेज में थे, संडे में भी 3 slots है, बट ये 3 slots, ईच स्लॉट 3 hour का रहने वाला है, 3 घंटे का 1 slot रहने वाला है। अगेन slot 1 एंड slot 2 में आपको मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड slot 3 में लैंग्वेजेस पढ़ने। बट एक ट्विस्ट जरूर है यहाँ पे, ट्विस्ट इज संडे को आपको रिविजन करना है, यू हैव टू डू रिविजन। अब रिविजन किस चीज़ का करें सर, रिविजन क्या करने के लिए, थोड़ी ना हमने पूरा सब्जेक्ट या फिर पूरा बुक पढ़ लिया, नहीं, जो जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो उसका रिविजन संडे करना जरूरी है। इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। कंसिडर कीजिए आपने एक वीक में एक सब्जेक्ट का अराउंड 3 to 4 chapters ओमिट कर लिए, खत्म कर लिए, ऐसे करते करते आप 30th day तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अगर मैं आपको 30th day पे एक पेपर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको उस पेपर में जो रिसेंट डेज में पढ़ाई की है ना, उसी चैप्टर्स के, उसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। जो स्टार्टिंग वाले वीक में स्टार्ट किया था वो भूल चुके होगे आप, ठीक है। मराठीत एक म्हण है, पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट, मतलब आगे का पढ़ रहे हो बट पीछे का सारा भूलते जा रहे हो। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हर संडे रिविजन करना जरूरी है। रिविजन करोगे तो कम से कम 6 दिन का पढ़ाई 7वें दिन याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 30th day के बाद आप 2-3 दिन बैठ के सारा रिविजन कर लीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करना करिए, जो कुछ भी करना है करिए। अब रिविजन में करना क्या है, रिविजन में आप कर सकते हो कि एक छोटा सा टेस्ट दे दीजिए 10-20 marks का हर एक चैप्टर का, या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, या फिर जो सैंपल पेपर्स में पूछे गए, या फिर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस है, या फिर कुछ क्वेश्चन बैंक्स में प्रोवाइडेड क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करके देखिए, ताकि आप टेस्ट कर सकते हो खुद को कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, या फिर आपकी पढ़ाई कौन से लेवल तक हो चुकी है, आप ये टेस्ट कर सकते हो। सो संडे में क्या करना है पता चल गया, मंडे टू सैटरडे में क्या करना है ये पता चल गया, अब क्या करना है आपको इसके बाद, ये आप प्लान तो सुन लिया, अब ये वीडियो खत्म होते ही आपको करना क्या है, एक A4 साइज व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर 30 boxes बनाइए, हर एक बॉक्स पे day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 up to day 30 लिखिए, और उस पेपर को आप जहाँ पे पढ़ने बैठे उसके सामने चिपका दीजिए। जैसे ही आप day 1 में पूरा दिन पढ़ाई करके, 7 घंटे पढ़ाई करके या फिर 9 घंटे पढ़ाई करके सोने जाओगे, सोने से पहले day 1 को क्रॉस कर देना। इन द सिमिलर वे day 2 को भी करना। I literally bet on you, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मैं बेट करता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर वो अगले 30 डेज तक ये फॉलो करता है सिंसियरली, हाँ मुझे बाद में DM या फिर कमेंट करके मत बताना कि सर हमने किया था 30 डेज नहीं हो पाया। अगर आप सिंसियरली करोगे तो आई लिटरली बेट ऑन यू, आप सिलेबस तो कंप्लीट करोगे ही करोगे, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।